नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जॉब में। आज का हमारा टॉपिक है इंटरव्यू में पूछने वाले क्वेश्चन। आज हम बताएंगे डीजी के बारे में, जो अधिकतर ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें पहला है कि डीजी कैसे स्टार्ट करते हैं। डीजी को ईसीपी इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल से स्टार्ट किया जाता है। इसमें ऑटो मैनुअल का मोड होता है। अगर इसे ऑटो में चलाना है तो यह अपने आप स्टार्ट हो जाता है। अगर मैनुअल चलाना है तो मैनुअल मोड पे सिलेक्ट करके फिर हम इसे स्टार्ट करते हैं। अगला है डीजी में टेम्परेचर हाई कैसे होता है। डीजी में जो टेम्परेचर हाई होता है उसका मेन कारण है कूलेंट लो होना, और इसका दूसरा कारण है रेडिएटर का चौक होना, और इसका तीसरा कारण ओवरलोड भी हो सकता है। डीजे के फुल कैपेसिटी के ऊपर चलने से ओवरलोड होता है, जिसकी वजह से डीजी टेम्परेचर हाई होता है। अगला है एवीआर का कारण। एवीआर को ऑटोमेटिक रेगुलेटर कहते हैं, और यह डीजे के अंदर वोल्टेज को कंट्रोल करता है। यह वोल्टेज हाई होने पर डीजी की स्पीड को कम करता है, और वोल्टेज कम होने पर डीजी की स्पीड को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है डीजी में टर्बो चार्जर क्यों लगाते हैं। इंजन में टर्बो चार्जर लगाने का मेन कारण है इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और फ्यूल की बचत होती है। टर्बो चार्जर का कार्य होता है जो जली हुई धुआं होता है जो इंजन में जलता है उसको बाहर फेंकना और फ्रेश एयर को अंदर लाना। इसके लिए इसमें दो फैन लगे होते हैं, जो एक सीधे राइट में चलता है और दूसरा उल्टा अपोजिट चलता है, और इसका स्पीड 80,000 से 1,00,000 आरपीएम होता है, जो कि एग्जस्ट नापा नहीं जा सकता। और टर्बो चार्जर के वायरिंग में लूब ऑयल डाला जाता है, इसलिए क्योंकि वाल वायरिंग जो लगे रहते हैं उनको कूलिंग देना, क्योंकि टर्बो चार्जर की स्पीड इतनी रहती है कि वो लाल हो जाता है हीटअप के कारण, इसलिए लूब ऑयल डाला जाता है। और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है, डीजी में कितने तरीके के धुएं निकलते हैं और इनका क्या कारण होता है। डीजी में मोस्टली 4 तरीके के धुएं निकलते हैं, जिसमें से पहला है वाइट स्मोक। वाइट कलर का अगर धुआं निकल रहा है तो इसका कारण है कि डीजल में पानी मिला हुआ है। अगर डीजल में पानी मिला है और वाटर सेपरेटर फिल्टर जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में आपका डीजी वाइट कलर में धुआं देगा। और दूसरा है ब्लैक स्मोक। डीजी में अगर बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर का धुआं दे रहा है तो इसका कारण है डीजल का कंजक्शन खपत, यानी खपत वो ज़्यादा ले रहा है। और नेक्स्ट है ब्लू स्मोक। डीजी में अगर ब्लू कलर का स्मोक आ रहा है तो इसका रीजन है डीजल के साथ में लूब ऑयल मिक्स हो रहा है। डीजल के साथ लूब ऑयल मिक्स होने पर यह ब्लू कलर का हल्का धुआं देता है। और नेक्स्ट है लाइट ग्रीन, जो हल्का ग्रीन कलर का धुआं आता है, जो कि नॉर्मल लोड पे रहता है, और डीजी में हम धुएं के कारण ही पहचान लेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। और नेक्स्ट है कूलेंट। कूलेंट डालने का जो मेन रीज़न रहता है, कूलेंट जल्दी ठंडा हो जाता है और जल्दी गर्म भी हो जाता है। कूलेंट डालने से कम टेम्परेचर में जमता नहीं है। अगर कम टेम्परेचर होने से जम जाएगा तो इंजन में सर्कुलेट होने के लिए जाएगा नहीं। कूलेंट काफ़ी ज़्यादा डिग्री तक वर्क करता है, वाटर को जमने नहीं देता है, इसलिए हम इसको कूलेंट मिलाते हैं।